नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाले ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इस तरह के सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आज इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मगध यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन पार्ट 3 सेशन 2017-20 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है और ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे किसी भी ब्राउज़र को खोलें। ब्राउज़र खोलने के बाद गूगल सर्च इंजन में टाइप करें मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी टाइप करने के बाद सर्च क्लिक करें या इंटर प्रेस करें। सर्च क्लिक करते ही आपको सबसे पहला ऑप्शन सर्च रिजल्ट में मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का इस तरह से मिल जाएगा। आप देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट www.magadhuniversity.ac.in है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको अगला विंडो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप इस वेबसाइट को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू एंड नोटिस। इस ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा। आप इस व्यू ऑल का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला विंडो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां पे सबसे पहला ऑप्शन इस तरह से दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, रिगार्डिंग फी डिपॉजिट ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म ऑफ ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom ऑनर्स पार्ट 3 एग्ज़ाम 2017-20। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको नोटिस इस तरह से स्क्रीन पे मिल जाएगी, जहाँ पे ये साफ शब्दों में लिखा गया है, स्नातक BA, BSc, BCom प्रतिष्ठा एवं सामान तृतीय खंड परीक्षा 2017-20 के परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क ऑनलाइन जमा करने के संबंध में। यानी साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म का फॉर्म फिलअप होगा, जो फॉर्म भरा जाएगा, वो ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया से भरा जाएगा। और इस नोटिस के अनुसार इस नोटिस को आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। इस लेटर का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं कि इस लेटर के अनुसार मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज के प्राचार्य को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड की जाएगी। उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन प्रक्रिया से भरा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 30/6/2020 दिया गया है, जो बिना विलंब शुल्क के साथ है, और आप 4/7/2020 तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। दोस्तों, तो इस नोटिफिकेशन से आप स्पष्ट रूप से आश्वस्त हो चुके होंगे कि मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया से भरी जाएगी। इसमें लगने वाले सामान्यतः डॉक्यूमेंट आप लाएंगे, जो होगा मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और ओरिजिनल सर्टिफिकेट या कोई वैसा भी सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करता होगा। उसके बाद आप इंटरमीडिएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स का जेरोक्स कॉपी ले लेंगे, और उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट का जेरोक्स कॉपी ले लेंगे। साथ ही साथ एडमिशन रसीद या अन्य कोई दस्तावेज जो एप्लीकेबल हो, जैसे जाति, आवासीय आय, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप अपने कॉलेज में उपस्थित होंगे। तो मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र और यथासंभव आप अपने कॉलेज में संपर्क करें या कॉलेज के किसी भी कर्मचारी से संपर्क करें और इस विषय में विस्तृत जानकारी हासिल करें, लें कि कब तक ऑनलाइन की सुविधा शुरू की जाएगी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो का भरपूर लाभ मिला होगा आपको। अगर हां, तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सही समय पे, सही वक्त पे वो एग्जामिनेशन फॉर्म को भी भर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं
तो नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को आइकन को दबाएं और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की सारी रोचक जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।